अस्सलाम वालेकुम। हैं जी, तो ये बन रहा है गुड़, और ये तैयार हुआ वे? ये भी अभी तैयार किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको दुखों से, परेशानियों से हमेशा दूर रखे, आमीन सुम आमीन। मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, खुश होकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं हूँ साजिद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साजिद अली फैमिली ब्लॉग्स। आज के इस ब्लॉग का करते हैं आगाज़। आज हम जा रहे हैं नारोवाल और इस वक्त हम खड़े हुए हैं रावी टूल प्लाजा मोटरवे पे। ये जो पीछे आपको प्लाजा नज़र आ रहा है, ये जो टोल प्लाजा नज़र आ रहा है, ये जहाँ पर रावी मोटरवे टोल प्लाजा है, यहाँ से अब हम एंटर हो गए हैं। तो यहाँ से हो गए हम एंटर मोटरवे पर। नारोवाल जाना है, M2 से उतर के हम लोग अब देखते हैं कौन से M, क्योंकि हम गूगल सर्च करके जाएंगे तो गूगल आंटी हमें जिस जगह पे लेके जाएंगी और जिस जगह इंटरचेंज से हमें उतारेंगी, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। तो चलते हैं अपने सफ़र का, करते हैं आगाज़। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलिए फिर चलते हैं नारोवाल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, शुक्रिया। हाँ जी, M2 कालाशाह काकू इंटरचेंज से हम लोग उतर गए हैं, अब हम जाएंगे आगे सियालकोट मोटरवे पर। पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ सब्जा ही सब्जा नज़र आ रहा होगा आपको, और धुंध बहुत ज़्यादा है इस तरफ, मोटरवे पे भी धुंध बहुत थी। तो टाइम अभी 2:15 हो गया है और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ धुंध मौजूद है। अब हमने जाना है इस साइड पर, आए हम इस तरफ से हैं, ये बाईपास है, ये बाईपास रोड है, ये दूसरी मोटरवे से कनेक्ट करता है। यहाँ से कालाशाह काकू से उतरकर हम लोग अब दूसरी मोटरवे से, सियालकोट मोटरवे से कनेक्ट हो जाएंगे, इस तरफ हमने जाना है। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए हैं इस वक्त मुरीद के नारोवाल रोड पर, जो मुरीद के से नारोवाल की तरफ रोड जाता है, हम उस पर हैं। कालाशाह काकू से एग्ज़िट होके हम लोग सियालकोट मोटरवे पे आए थे और अब यहाँ से हम लोग एग्ज़िट हुए हैं, तो 40 रुपये दिए हैं। अब हम लेते हैं, ये भाई खड़ा हुआ है, यहाँ इससे लेते हैं अमरूद, थोड़े लेते हैं आधा किलो, चलते हैं आगे का सफर को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल अभी तक हम रास्ते में ही हैं, नारोवाल अभी यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर रह गया है। यहाँ गुड़ बनता हुआ नज़र आ गया, मैंने बोला यार एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि गुड़ बनता हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आपको भी दिखाते हैं गुड़ कैसे बनता है। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, खैरियत से ठीक ठाक हैं? यार ये वीडियो बना सकता हूँ मैं? हाँ ना, हाँ जी, तो ये बन रहा है गुड़, और ये तैयार हुआ वे? ये तैयार हो यार जी, ये अभी अभी तैयार किया आप लोगों ने? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ये चाचा जी गुड़ बना रहे हैं। चाचा जी ये क्या नाम है आपका? ना दसो, अनवर। अच्छा जी, अच्छा जी, खेत किसके हैं, गुड़ किसका बना रहे हो? अपना ही है, अपना ही जमीन है। जाओ,
ये गन्ने के ही वो है छिलके, इन्हीं को आग लगा रहे हैं। सही हो गया। और देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी कढ़ाई है, क्या बात है। पहले अब आप लोगों से भी थोड़ा हाल वाल करें यार। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? क्या नाम है आपका? आबिद हुसैन। अहमद हुसैन? आबिद हुसैन। तो ये जमीन आप लोगों की? हाँ जी, ये हमारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भाई हैं सारे? नहीं, ये मैं आया हूं। अच्छा, ये भाई लोग आए हैं सामान लेने? अच्छा अच्छा, तैयारी कर रहे हैं, अपने सामान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक ठीक, ये जो नहीं उसके बाद बनती ना जो चीज़ नहीं होती, मैं बताती थी, उसमें डालते हैं चीजें, ये जो खुशी मेवा पड़ा हुआ है सर, उसमें डालेंगे अभी, क्या थोड़ा सोचेंगे ना, फिर वो बनाएंगे, गचक से बन जाती है फिर वो। अच्छा, वो गचक जो होती है? हाँ, वो बन जाती है, फिर वो खाते हैं ये खाने के लिए। हाँ, ये खुशी मेवा रखा हुआ है, तिल वगैरह भी इसमें है, गुड़ भी, गुड़ में डालते हैं लोग, गुड़ में खाते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये है वो रस ना, ये जो रस निकाला हुआ है पहले, ये है पहले रस बनाते हैं, पहले गन्ने का रस निकालते हैं फिर रस सारा उसमें छानते हैं पहले, फिर उसको पहले छान के फिर ये कढ़ाई में डाल देते हैं और ये तैयार करते हैं। तो कितनी देर का होता है? देर लग जाती है इसको? कितना टाइम? इनसे पूछने का, कितने घंटे लगते हैं? ये कितना टाइम लग जाता है इस गुड़ बनने में? ढाई तीन घंटे। अभी इसको कितना टाइम हो गया जो बन रहे? पौने दो घंटे हो गए। तो कब तक तैयार हो जाएगा? एक घंटा लगेगा, एक घंटे बाद तैयार होगा। और ये आप देख सकते हैं, ये तैयार हुआ हुआ। गन्नों की फसल है, गन्ने ही गन्ने हैं। और यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है गन्ने, बाकी इन्होंने अभी काट लिए हैं और उनका रस बना के गुड़ बना लिया है। ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है और यहाँ ये बेलन भी लगाया हुआ है, यहाँ इससे जूस निकाला जाता है। ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, उसका रो निकलते हुए पहले भी दिखाया हुआ है, अभी इन्होंने रो निकाला हुआ भी है। ये देखिए जी, ये रो निकला हुआ है यहाँ से, और इस तरफ भी रो पड़ा हुआ है। गुड़ दी है, चल गुड़ खा के देखते हैं। हाँ जी, तो ये तैयार किया हुआ गुड़ है, जरा खाते हैं, चखते हैं कैसा है, मज़ेदार है कि नहीं। वाह वाह, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश गुड़ है, और इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। वैसे तो गुड़ सख्त होता है, ये सॉफ्ट क्यों है? ये अभी ताज़ा है इसलिए, तो ये बाद में सख्त हो जाता है? अच्छा, बाद में सख्त हो जाएगा, लेकिन अभी तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह यार, ताज़ा गुड़ खा के दिल खुश हो गया। इसमें तो लोग ना पिस्ता वगैरह डालते हैं, जिससे वो मानी खुश्क में इसमें, हाँ, वो गुड़ में मूंगफलियाँ कर रहे हैं। ये गुड़ में भी डाल लो, वो बड़ा मज़े का होता है, इसमें देसी घी डाल दो, ये भी खाने के लिए बड़ी मज़ेदार सा गुड़ बन जाता है इसमें भी। अच्छा, और गचक भी बंदा बना रहे, गचक बनाते हैं ये लोग ना, गचक भी यही लोग बनाते हैं? हाँ, ये लोग बनाते हैं ऐसे करके। अच्छा, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी छोटे जब थे तब हमारे भी थे ना खेतों में गन्ने थे, फिर अपना बेलना था। अच्छा, तुम लोगों को भी बेलना था? हाँ जी, पहले सब कुछ तीन इकट्ठे थे ना, सब सारे मिलके करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे बस वो बच्चे बड़े हो गए हैं, सब वो कहते हैं जिम्मेदारी में खोल जाती है काम, इसलिए। वाह भाई, बहुत ही मज़ेदार गुड़ माशाल्लाह। छोटे तो हम लोग बनाते रहे हैं, गचक भी बनाते रहे हैं, गुड़ में भी ऐसे देसी घी डाल के। आप अपने सेटिंग कर रही हैं? मेरा ना सही नहीं था, काफ़ पैसे उठ के भाग गई है बस, कर ज़्यादा हाँ गुड़ नहीं खा सकते।
बस थोड़ा बहुत ही मैंने थोड़ा सा चेक कर लूँ। चलो हाँ चेक कर लें। हाँ जी कैसा लगा? पुरानी मज़े का बहुत मज़े का बहुत आ रहा है ना मज़ा मज़ा आ गया। ऐसे वाकई में मज़ा आ गया। और अब ये पहाड़ी सी इकट्ठी कर दी है ये इसी से। अच्छा इसी से आग लगा देते हैं, इसी से पकाएंगे ना। ये जबरदस्त है, आग भी इसी से लगा दो। ये रोटी बनाने के काम आती है। अच्छा जिनके घर में गैस नहीं ना। अब वो गन्ने के वो इस तरफ तो ये जो गन्ने का रो निकला हुआ है ये है जो गन्ने का रो है वो छिलके हैं उसके ऊपर वाले जो ऊपर वाले ये पर्थ है। ये पर्थ है ये वाली ये पर्थ है उस तरफ पड़ी हुई है। ये भी काम में ले आते हैं और इसका छिलके भी काम में ले आते हैं। इस तरह गोले गोले बना रहे हैं। अच्छा आप कब कब बनाते हो? कोई ऑर्डर आता है तब बनाते हो या वैसे ही बना लेते हो? बस वैसे ही बना रहे हैं। अच्छा वैसे ही बना लेते हो फिर जा बेचते हैं? इधर से ले जाते हैं लोग। अच्छा इधर ही से ही ले जाते हैं। तो किस हिसाब से बेचते हो, क्या है ये? देसी गोला भैया। जी जी तो नहीं किस हिसाब से बेचते थे? 130 रुपए किलो। और तमाम बड़े बड़े गोले तैयार हो रहे हैं। ये सारे इसी तरह बनाते बड़े बड़े? ये इधर इसी तरह बनता है। अच्छा अच्छा तो जो मूँगफलियाँ तोड़े थे वो इसमें नहीं डालेंगे? डालेंगे। अच्छा वो उसमें डालना है। ठीक हो गया। ये सारे इसी तरह तैयार हो जाएंगे। बस ये अब तैयार हो गए हैं। हाँ जी कैसा लगा? अब आपको कंप्लीट नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने पहुंचना है नारोवाल और अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि शाम होने वाली है। आपको सूरज अब होने वाला है गरूब। तो वापसी हम आएंगे, इनसे मैंने बात कर ली है क्योंकि मेरी वालदा ने भी कहा था कि ताज़ा गुड़ बन रहा हो तो ज़रूर लेते हुए आना। तो मैंने इनसे कह दिया है यार हम लोग जब वापस लाहौर की तरफ जाएंगे तो क्या हमें गुड़ मिल सकेगा। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यहीं मौजूद होते हैं, जितना चाहे ले जाना। तो वापसी पे इंशाल्लाह ताला इनसे फिर मुलाकात करेंगे और इनसे लेंगे गुड़ और लेके जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं नारोवाल की तरफ क्योंकि अभी हम जा रहे थे नारोवाल, तो हम चलते हैं नारोवाल। हाँ जी तो हम पहुँच चुके हैं नारोवाल। टाइम हो गया है 4:22। रास्ते में ज़्यादा रुकते हुए आए तो थोड़ा टाइम लग गया। तो बहरहाल हम खैर वाफिया से नारोवाल पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप मेरे बैग में देख रहे होंगे ये है सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। ये इब्रारुल हक साहब का हॉस्पिटल है, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पर बनाया हुआ है ये हॉस्पिटल। ये नारोवाल शहर के जैसे ही एंटर हुए हैं, नारोवाल सिटी में जैसे ही एंटर हुए हैं ये हमें लेफ्ट साइड पर मिला है। आपसे भी मैंने कहा शेयर करते हैं तो आपको भी दिखाता हूँ कि ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उनकी वालदा मोहतरमा के नाम पर, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स। तो देख दिखाता हूँ आपको भी जी ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये हॉस्पिटल है। तो आप देख सकते हैं ये इब्रारुल हक साहब की वालदा के नाम पर है, उन्होंने ही ये तामीर करवाया है इधर।
ये है इसका एंट्री पॉइंट। यहाँ से एंटर होते हैं मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग। और ये आपको ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है डेरा चौधरी इब्रारुल हक साहब का। ये देखिए जी तस्वीर भी लगी हुई है, और इमरान खान साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये डेरा है इनका, और ये साथ ही इनके मेडिकल कॉम्प्लेक्स है इनका। मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। हाँ जी, तो अब चलते हैं हम अपने मंजिल की तरफ, क्योंकि हमने जाना है तंजीला की सबसे बड़ी बहन उनके घर, उनकी बेटी की शादी है, तो हम लोग इसीलिए नरवाल जा रहे हैं। 6 से 8 किलोमीटर के लगभग उनका गांव है सद्दोवाल, सद्दोवाल के नाम से उनका गांव है। तो चलते हैं अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं सद्दोवाल, नीवा सद्दोवाल। और हमारे आगे है खोता रेड़ी। अस्सलाम वालेकुम। खुशी भाई खैरियत से? ठीक ठाक, खुश मजे में, तबीयत ठीक है? और खैरियत से? और खैरियत से भाई, सुना हुआ इतना खड़ी कर लेते चलो घर आ गया, घर आ गया है, घर आ गया से तो बहुत अच्छी। बच्चे की पीछे कर लेते, मुझे कहां दुकानें बंद की और सबसे सलाम दुआओगे। ये कौन है? जेबी पेंडू। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं नारवाल। यहाँ नारवाल से 6 से 8 किलोमीटर के फासले पे है नीवा सद्दोवाल। हम यहाँ पहुंच गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन हम लोग यहीं हैं, बच्ची की शादी भी है। इंशाल्लाह ताला गांव के व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और दुआओं में याद रखिएगा। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। एंड में वही बात, नए देखने वाले व्यूवर्स काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसका नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त और बआसानी पहुंचती रहे और आप उससे फ्री में एंजॉय करते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। ढेर सारी दुआ में याद रखिए और हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।